that's a completely different start to this set from them. Just attempt after attempt, putting balls away in that first match. So could this be a trend for Kolkata making a return? Well, a little birdie tells me, Colton, that your favorite movie is Gladiator. How about Ridley Scott come here and make a movie, make another Gladiator movie on these absolute cheetahs on court? In control, playing as a team, bringing the energy. They're a well-rounded team, and I think they're going to be very difficult to stop. Point chala gaya. Kolkata ko 2-1 ki badhat Kolkata ke paas. Nahi, Vineet, aisi galtiyan mat kijiye. एक से ऐसे पिछड़ रहे हो, दो बार सर्विस फॉल्ट से वैसे पॉइंट मिला है ब्लिट्स को। दो पॉइंट है चेन्नई के पास और दोनों गिफ्ट आए हैं कोलकाता से। अब नवीन राजा, स्टार भारतीय वॉलीबॉल के, डिंक किया रियाजुद्दीन ने और स्पाइक लगाने की कोशिश की राहुल ने और राह भी मिली पॉइंट की, टच आउट की घोषणा। और अखिन ने हाथ उठा के एक्नॉलेज भी किया कि जी हाँ, उनका हाथ टच हुआ था। ये देखिए काफी तेज स्पाइक और उसका उंगलियां टच हुई है, एट फिट सुपर स्पाइक। सेकंड रेफरी शमीम ने कॉल किया और तुरंत अखिन ने एक्नॉलेज कर दिया। राहुल, ओह क्या सर्व लगाई, नवीन राजा जेकब हिल गए थे। ब्रूनो हरी प्रसाद ने पैनकेक की तरह टेक करने की कोशिश को की थी जरूर, कैसे जीता चेन्नई ब्लिट्स ने ये पॉइंट। बहुत ही तेज हिट, मुश्किल परिस्थितियों में लगाया गया था ब्रूनो द्वारा, क्योंकि फंसी हुई थी बॉल, काफी पीछे बैक अटैक करना पड़ा। लेकिन थ्री ऑल अखंड अखिन अब सर्विस लाइन पर, रियाज शॉर्ट सेट स्पाइक सकते हैं, ब्लॉक को अवॉइड किया। सामने जी एस अखिन खड़े थे जो कि 6'9" लंबे हैं, लेकिन उनको भी जंप करने का मौका नहीं। 4-3 से आगे कोलकाता। अश्वाल अब बेसलाइन पर ही पॉइंट जीतने के बाद फोकस देखिए, सोच रहे हैं कहां डालेंगे अपनी सर्व। डाली फर्नांडो गोंजालेस की ओर, उखरा पंड्यन, अखिन, विनीत ने बचाने की कोशिश की थी, नेट टच की घोषणा। नेट टच कॉल किया है सेकंड रेफरी ने, इस समय जंप किया ये, लेकिन लैंड करते वक्त जब टर्न किया उस समय पीठ टच हुई विनीत कुमार की, पॉइंट मिल गया चेन्नई को। फोर ऑल ब्रूनो डी सिल्वा, बहुत ही बड़ा टॉस और उससे भी बड़ा सर्व। टॉस से ही पता चल गया था कि मुश्किल में थे अपने आप। कुछ ऐसा ही टेनिस में भी होता है, अगर आपका टॉस सही ना हो तो सर्विस फॉल्ट होती है, और वही यहां पे भी, अगर टॉस सही ना हो तो आप उसके नीचे, और जैसा टेनिस में अलाउड है आप कैच कर सकते हैं बॉल को टॉस करने के बाद, एक बार 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 नहीं। अरविंदन, कनगराज, फर्नांडो गोंजालेस, एक और बार नेट टच, एक और बार जी, और हाथ उठाकर एक्नॉलेज भी कर रहे हैं खिलाड़ी। कोराम या कोहनी लग गई थी उनकी नेट के ऊपर, जंप किया लेकिन लैंड करते वक्त शमीम ने सही कॉल किया कि टच हुई है। फाइव ऑल जी हाँ, शमीमुद्दीन का घुटना वहां टच होता हुआ नेट से। फर्नांडो गोंजालेस अब तक सारे पॉइंट्स जो दिए हैं कोलकाता ने चेन्नई कोर्ट में से आधे ज्यादा, तो उन्हीं की गलती हुई है। यहाँ पे फर्नांडो गोंजालेस ने भी बोला चलिए आप हमें गलती से पॉइंट। बेहद खूबसूरत ये क्रॉस कोर्ट स्मैश, पावर कम लेकिन प्लेसमेंट कमाल का। स्मैश नहीं था ये था टैप, रूपे ऑन द गो जैसा टैप था ये, ईट फिट सुपर स्पाइक। कोर्ट अवेयरनेस बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं चेन्नई, और कहीं बेटर कंट्रोल। स्कोर 6-6। अखिन, हरिप्रसाद, अरविंदन, राहुल, चलिए पॉइंट तो मिला,
सेलिब्रेशन करने का मौका तो मिला। थोड़ा मुश्किल में थी कोलकाता इस बार क्योंकि डबल ब्लॉक आ गया था, लेकिन बड़ी सफाई से और चंदर सिंह कह रहे हैं कि ब्लॉक को जरा सही सेट कीजिए वरना रोक नहीं पाएंगे आप। हाथों का इशारा वही बता रहा था कि आपको ब्लॉक सही हाथ एंगल से रखना है। और वही खिलाड़ी जिन्होंने दो नेट टच के चलते पॉइंट गवा दिए हैं अब सर्विस लाइन पर, शमीमुद्दीन। क्या बात है अखिन, ये कहां से निकाला आपने, उनके पीछे थी बॉल। यही होता है कोर्ट अवेयरनेस, बॉल पीछे लेकिन कोई बात नहीं, सही पुश किया, हिट नहीं किया, पुश किया बिल्कुल एंड में, लंबाई पूरे 9 मीटर की लगभग नापी। मोहन उखरा पंडित अब कप्तान रह चुके हैं भारतीय टीम के, 180 से ज्यादा मैचेस खेले हैं भारत के लिए। राहुल अरविंदा अश्वाल ब्लॉक हुए, रियाजुद्दीन और हरी टकराए थे, अश्वाल ये होती है प्लेसमेंट और साथ साथ की बराबरी पर सातवें आसमान पर पहुंचाया आपने तीन कोर के कप्तान ने। और जब आठवां पॉइंट होता है आपको पहले सेट में भी इस लाइन पर सफेद पोशाक में कोलकाता थंडरबोल्ट्स, जबरदस्त सर्व एक बार फिर से लेकिन गोंजालेस ने जीवित रखा, ब्रूनो तक पहुंचाया, ब्रूनो ने पॉइंट जीता। कोई मौका नहीं था वहां पे डिफेंडर्स के लिए रोक पाने का, दो दो अश्वाल मौजूद थे और उनके साथ विनीत, लेकिन दोनों के लिए मौका नहीं रोक पाने का। 8 ऑन रॉकस्टार राजा क्या कर पाएंगे नवीन रॉकस्टार राजा जेकब, प्लेयर से टच हुआ था इस कारण से सुपर सर्व तो नहीं हुआ लेकिन बस कुछ इंच दूर था ये अपोलो 24/7 सुपर सर्व होने से। एक ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रूनो डी सिल्वा इस मैच में आज के दिन का। एक और बार नवीन राजा टारगेट करते हुए राहुल को, विन्स इट। बहुत ही जबरदस्त वापसी कोलकाता द्वारा। स्कूल में जब वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चों को देखते थे तो उससे प्रेरित हुए थे फर्नांडो गोंजालेस, प्रेरित करते हुए पूरे भारत को। जी नहीं, पॉइंट दे दिया गया उनके खिलाफ। बेस लाइन पे जो लाइन जज है उनकी झंडी ऊपर थी, ये देखिए फ्लोट किया तेज तेज और ये लैंड की, बाहर लैंड की है, बिल्कुल लाइन के बाहर लैंड की है। राहुल एक बार फिर से, ओ क्या सर, अपोलो 24/7 सुपर सर, राहुल ने रास्ता दिखाया, राहुल ने उस रास्ते में डाल दिया बॉल को और कोई नहीं पहुंच सका। जगह मिली तो कहते हैं कि उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपोलो 24/7 सुपर सर्व, दोनों खिलाड़ी हट गए, दो पॉइंट मिल गए और टाइम आउट लेने पे मजबूर हो गए। यहाँ पे शकिल नहीं, वहां पे फिनिश करने में फर्नांडो गोंजालेस को, वहां गलती कर बैठे थे अश्वल राय, जिस तरीके से वो सेट करवाना चाह रहे थे विनीत को लेकिन भेजती थी बॉल फर्नांडो गोंजालेस की ओर। सेकेंड बॉल जब सेटर के पास नहीं आए तो कभी भी अच्छी सेटिंग नहीं हो सकती है, ये तो वॉलीबॉल का जिसे कहते हैं मूल मंत्र है। फिलहाल सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं बिन्नामा प्रसाद, लेकिन फिर अश्वल राय से मुलाकात हुई होनी उनकी जैसे ही सेटर के, ये देखिए उसका कमाल, अश्वल राय के लिए बॉल, सामने खिलाड़ी बॉल सिंगल ब्लॉक तो उठ रही है। बर्थडे बॉय है आज जी आर वैष्णव, अश्वल हाई सर्व, नवीन राजा जेकब ने डिफेंड किया, बैक सेट करने की कोशिश उखरा पंडित की, नेट से टकराई बॉल, ब्रूनो का प्रयास नाकामयाब। तीन सेट पॉइंट अब कोलकाता के लिए, कोलकाता थंडरबोल्ट्स तीन सेट पॉइंट है, अश्वल राय तो इसी में सुनिश्चित करना चाहेंगे। नवीन राजा जेकब उखरा पंडित, फर्नांडो गोंजालेस ब्लॉक, कनकराज उखरा पंडित, रॉकस्टार राजा ने एक पॉइंट तो काट दिया है। जी नहीं, नहीं काटा, पॉइंट मिल गया कोलकाता थंडरबोल्ट्स।
कोच को